अब खबर भरतपुर से। भरतपुर सांसद रजिता कोहली ने अधिकारी द्वारा खसरा संख्या 162 नांगल जोन पहाड़ी में मिलने वाले अवैध खनन की पुष्टि को लेकर कहा कि कामा में अवैध खनन के मेरे द्वारा शिकायत करे तो आवाज उठाई जा रही है। उस पर स्थानीय विद्यालय ने कहा कि खामा में अवैध खनन नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं अधिक अधिकारियों के लिखे गए पत्र में खनन विभाग के अधिकारियों जाकर वहां पे पहुंचे और उन्होंने पोकलेन मशीन अवैध खनन करती पाई गई है, जिसकी पुष्टि अधिकारी द्वारा दिनांक 15/6/2022 को की गई एवं पुलिस थाना पहाड़ी में FIR भी करवाई गई है। गौरतलब है कि सांसद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कामा में अगर अवैध खनन हो रहा है तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगी, अगर अवैध खनन नहीं हो रहा है तो राज्य मंत्री इस्तीफा दे। क्योंकि वर्तमान में अधिकारी द्वारा अवैध खनन की पुष्टि की गई है तो क्या राज्य मंत्री शाहिदा खान अब इस्तीफा देंगी? गाड़ियों में पत्थर फेंके जा रहे तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जनता पूरी इस चीज को बंद करवाने में बैठी हुई है। अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो मैं भी अपना पूरा जोर लगा करके सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाऊंगी और मैं केंद्र तक भी जाऊंगी, या तो ये बंद हो जाए। ये ज्यादा के साथ प्रशासन मिलकर के इस तरीके का काम किया जा रहा है यहाँ पर। आज प्रशासन द्वारा खसरा नंबर 162 नागल में अवैध खनन करते हुए पोकलोन को पाया गया है। आज तो पुष्टि भी हो गई है प्रशासन द्वारा कि वहाँ अवैध खनन होता है, तो मैं माननीय ज्यादा खान जी से पूछना चाहूंगी कि आप क्या इस्तीफा देना चाहोगे? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ड्रामा हम नहीं, आप करती हो। अगर आप ड्रामा नहीं करती तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज तो प्रशासन द्वारा भी पुष्टि हो गया है, पूरा प्रूफ मिल गया है कि वहाँ खसरा नंबर 162 में अवैध खनन हो रहा है और पोकलोनों को जब्त किया गया है। जिस तरीके से छोटे जो काम करने वाले हैं उन पर कार्रवाई न करते हुए, मैं प्रशासन को भी बोलना चाहूंगी, उन पर कार्रवाई न करते हुए उन बड़े नेताओं पर कार्रवाई करें जो कि रॉयल्टी के नाम पर अवैध खनन को चला रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी।